नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम कटरा में फाउंटेन चौक के पास खड़े हैं। यहां पर 24 घंटे चहल पहल चलती रहती है। रात में अगर आप 1 बजे भी आ जाओगे तो आपको कोई ना कोई यात्री यहां जरूर दिखाई देगा। यहां पर सामने ही कटरा का मेन बाजार मार्केट है और पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं यात्रा रूट। हमने यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करी थी। अभी हम जा रहे हैं पटनी टॉप। दोपहर के 1 बजे का टाइम है। यहाँ से अगर आप बस में जाना चाहते हो, मतलब टेम्पो ट्रैवलर में शेयर बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो 450 रुपये पर पर्सन लगता है। पटनी टॉप घुमाकर आपको शाम को 7-8 बजे तक वापस ले आते हैं। लेकिन हम यहाँ से टैक्सी में जा रहे हैं क्योंकि हमें कस्टमाइज ढंग से बीच बीच में रुकना होता है। तो यही टैक्सी हमें रात को पटनी टॉप घुमाकर कल हमें जम्मू में ड्रॉप कर देगी। तो अब हम यहाँ से पटनी टॉप को निकलते हैं। कटरा से लगभग 60 किलोमीटर का सफर करके इस समय हम सिमरोली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम शर्मा वैष्णो ढाबा पे खड़े हैं। फ्रिज के अंदर आप देख रहे हैं ये वाइट से इसको कलाड़ी बोलते हैं। यहाँ की कलाड़ी इतनी फेमस है कि अगर आप जम्मू में भी या कटरा में भी किसी जगह कलाड़ी खा रहे हैं तो आपको हो सकता है बोलें कि ये कलाड़ी सिमरोली की है, क्योंकि यहाँ पर कलाड़ी एक अपने आप में ब्रांड है। हमारे साथ इस समय ढाबा ओनर बैठे हुए हैं, तो इनसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई यहाँ की कलाड़ी इतनी फेमस कैसे है। तो इन्होंने मेरे को जो बेसिक लॉजिक समझाया कि मेन दूध में फ़र्क है। जो मैंने इनसे समझाया कि दूध को फाड़ने के बाद पनीर बनाने के लिए जैसे पानी को अलग कर दिया जाता है, तो कलाड़ी बनाने में क्या है कि उसमें मॉइस्चर रिटेन हो जाता है। साथ में गांव वाले क्या करते हैं, जो ऊपर पहाड़ में गाँव हैं, कि पाइन ट्री की लीव्स को ज़मीन पर बिछाते हैं और उस पर कलाड़ी डाल के उसको 1 से 2 दिन तक सुखाते हैं। अच्छा, ये ब्रेड में एक तरह से सैंडविच कर दिया कलाड़ी को, और आप इसकी इलास्टिसिटी देखिए, एकदम से अलग नहीं होता। साथ में यहाँ पर अनारदाने की चटनी मिलती है और मीठी चटनी मिलती है। वेरी गुड। जैसे पनीर में खटास नहीं होती, लेकिन इसमें हल्की हल्की खटास है। खटास जैसे जैसे ठंडी होगी और खटास आएगी। एकदम गर्म खाओगे जैसे ये आपको पहले दी गई थी। अच्छा, मतलब 1-2 मिनट में खा लो। हाँ, खटास आ रही, जैसे ये अभी थोड़ी देर में ऐसे खिंच रही है ना, खिंचना बंद हो जाएगी, एकदम हार्ड हो जाएगी। अच्छा जी, रबर अच्छा, की तरह। एक मेरे को कलाड़ी और साथ साथ बनवा सकते हो जो तवे से निकाल के तुरंत आ जाए। कलाड़ी खाते समय आपको जो टेस्ट का एहसास होता है वो पनीर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको टेस्ट एहसास होता है जैसे आप चीज खा रहे हो। फर्ज करो पिज्जा बेस के ऊपर चीज है, आपने थोड़ा सा चीज निकाला और खा लिया, ऑलमोस्ट वैसा ही स्वाद है, लेकिन उसके अंदर हल्की हल्की खटास है। अरे आप खुद ही ले आओ। थैंक यू। लो जी, गरम गरम कलाड़ी। देख के अंदाजा ना लगाया जा सके है क्या। ओहो, अच्छा ये देखिए आप, चीज जैसा वो इलास्टिक होता है ना, उस प्रकार से इसकी इलास्टिसिटी है। इन्होंने बताया अगर ये ठंडा हो गया तो आपको बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसको गरम गरम इंजॉय करो। वैसे जम्मू में मैंने सुना है इसको कुलचे के साथ देते हैं। वहाँ पे लोग कुलचे के साथ। वो इंटरेस्टिंग। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे आना और ब्रेड सैंडविच कलाड़ी खाना। जहाँ हमने कलाड़ी कुलचा खाया उसे 4 दुकान छोड़कर हम एक शॉप में आए हैं नमकीन चाय पीने के लिए। ये हम कश्मीरी चाय पी रहे हैं, इसको यहाँ पर नमकीन चाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर आए हुए थे तो हमने इनको बोला कि आप यहाँ पर लोकल हो तो 5 मिनट हमारे साथ बैठ जाइए। तो पहले पीते हैं, फिर आपसे इस चाय के बारे में कुछ जानते हैं। इसका टेस्ट, इस चाय का टेस्ट बहुत अलग है, बहुत अलग है, हल्का हल्का नमकीन है। ये देखिए जी, ये है मक्की की रोटी, मतलब इसको तला गया है तेल में। तो ये हम इसके साथ खाएंगे। बिल्कुल, आप इसको आप इसमें भी डाल सकते हो चम्मच के साथ, वो टेस्ट अलग। अच्छा, ऐसे डालोगे ऊपर से चाय डालोगे वो अलग है, उससे बेहतर है इसमें डालना। अच्छा, वो ट्राई करेंगे। जी जी। तो इसको हम चाय में डालें? बिल्कुल, ऐसे इसको भी आप डाल सकते हैं। हाँ, अभी डालेंगे, सत्तू डालेंगे। स्वाद तो जोरदार है, मैं अपना थोड़ा सा इसमें डालो और चम्मच से खाओ। अगर आपकी चॉइस है इसमें चीनी डालने की,
तो फिर ये अलग नमक वाली अलग निकाल कर आप चीनी भी डाल सकते हैं और टेस्ट बढ़ सकता है। फिलहाल तो मेरे को लग रहा है कि बिना चीनी के ही अच्छा स्वाद है। कैसा लग रहा है सर? मेरे को हमारे नाम की चाय बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। और मैं तो पहली बार पी रहा हूँ इस तरह की चाय, और मुझे ना पीते समय ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम दिन में दो बार पियेंगे तो हमारे को शरीर में गर्माइश पहुंचेगी, है ना, ठंडी में गर्माइश देगा। गर्माइश भी सर, दूसरा आप कहीं टूर पर हो, सफर कर रहे हैं, पैदल का सफर, तो आप अगर एक कप थकावट भी दूर हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, इसमें बहुत ताकत है। वेरी गुड। थोड़ा सत्तू डालेंगे, कितना डालें? सर डाल दो जितना आपकी चॉइस है, अपनी चॉइस। सही है, ये चीज़ तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, चाय पहली बार, इस तरह की मक्की की रोटी पहली बार जिसको तला गया हो, और मक्की का सत्तू चाय में मिक्स करके पहली बार। गुड एक्सपीरियंस। हमने नमकीन चाय और सत्तू खूब एंजॉय किया। अब हम यहां से पटनी टॉप के लिए निकल रहे हैं। ओके भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब, आपके पतीसे की बहुत तारीफ सुनी है, थोड़ा हमें टेस्ट करा दीजिए। तो आप लोग पीसेस में कट नहीं करते जैसे? सर ऐसे लेयर में होता। अच्छा, ये पतीसे के ऊपर जो लच्छे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के लच्छे मैंने आज से पहले कभी पतीसे पे नहीं देखे। लो जी पतीसा आप टेस्ट किया जाए, जिसकी चर्चा दूर दूर तक है। बहुत सॉफ्ट है। वाह बाय गॉड, कि आप थोड़ी सी बाइट लो और मुंह में पिघल जाए। मेरे को कैसा लग रहा है जैसे हम घरों में बेसन का सीरा बनाते हैं जिसको घी में तैयार करते हैं, तो वैसा वैसा महसूस हो रहा है, और बहुत सॉफ्ट। हमें किसी ने बोला था कि आपकी चॉकलेट भी फेमस है। इन्होंने बताया इसको बनाने के लिए खोए को घी में भूनते हैं और बाद में चीनी डालकर इस तरह की शेप दी जाती है। चीज़ तो ये भी अच्छी है, लेकिन अब क्या हो गया मालूम, हमने पतीसा खा लिया ना, तो मन हो रहा थोड़ा सा पतीसा और खा ले क्योंकि ये पतीसे में ऐसी चीज़ है जो एडिक्शन है, मतलब थोड़ा सा खाने के बाद मेरे को वाकई मन हो रहा है कि चॉकलेट को थोड़ा साइड कर दूँ, पतीसे ही खाते रहे। तो आप अगर पटनी टॉप आएंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूर रुकना चाहिए। पतीसे के एक एक किलो के तीन पैकेट ले लिए, अब हम खुद से निकल रहे हैं पटनी टॉप जाने के लिए। मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मौसम ठंडा है, 12 किलोमीटर नीचे इतनी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ महसूस हो रही है, और पटनी टॉप में तो यहाँ से भी ज़्यादा ठंड मिलेगी हमारे को। यहाँ पर कुद में बड़ा शांत सा वातावरण है, समझ लीजिए 30 से 35 दुकानें होंगी और दो या तीन रेस्टोरेंट्स होंगे, एक रेस्टोरेंट तो हमें सामने दिखाई दे रहा है। चलिए पटनी टॉप को चलते हैं। रात के 9 बजे 13 फरवरी हम पटनी टॉप पहुंच चुके हैं। आप देखिए यहाँ का वातावरण, हम चौराहे पर खड़े हैं, बर्फ़ दिखाई दे रही है आपको, पिछले 1 किलोमीटर से हल्की हल्की बर्फ़ दिखनी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर बड़ी ज़्यादा बर्फ़ है। अब सच्चाई एक और है कि हमने अपने लिए रहने के लिए एडवांस बुकिंग नहीं करवाई, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि हम आज यहाँ पटनी टॉप आएंगे। एनीवेज अब 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के अपने लिए होटल आइडेंटिफाई करते हैं और आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। होटल हॉलिडे इन में हमने अपने लिए डबल ऑक्यूपेंसी रूम ले लिया, रेट कार्ड के हिसाब से टैरिफ 3000 रुपीज, हमें डिस्काउंट करने के बाद हमारे को पड़ा 2000 रुपीज में। इस समय यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है, जनरली दिसंबर जनवरी में जब स्नोफॉल पड़ती है तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, या फिर समर्स में। चलिए अब आपको आज के लिए गुड नाइट, कल सुबह आपसे मुलाकात करते हैं, हम भी पटनी टॉप घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं, मेरे साथ कमल भाई हैं,
मैंने आपको बताया था हम टैक्सी में चल रहे हैं, तो इन्हीं की टैक्सी है जिसमें ये जम्मू से कटरा आए, वहाँ से हमें पिकअप करके यहाँ लाए। अब आज रात को हमको जम्मू में नाइट स्टे करना है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, आप देखिए धूप निकली हुई है और पहाड़ सामने देखिए पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। जहाँ हम रुके सामने आप होटल देख रहे हैं, इसी के सामने कितनी सारी बर्फ दिखाई दे रही है। साइड सीन को निकले चलो जी। हम यहाँ पर पहला व्यू पॉइंट चिल्ड्रन पार्क देखने आए, तो यहाँ पर झूले तो लगे हुए हैं लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि बर्फ के टाइम ये जगह स्किप की जा सकती है, क्योंकि ये जगह पूरी इस समय बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन अगर आप गर्मियों के समय आएंगे और बच्चे साथ में हैं तो बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इस समय हम पडोरा चौक पर है, इसको पडोरा एनक्लेव भी बोलते हैं। मेरे साथ दो घोड़े वाले हैं, तो ये हमारे को ना अंदर बोर्ड दिखाने ले आए कि साइड सीइंग में क्या क्या आता है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं पांच, एप्पल गार्डन, व्यू पॉइंट, फ्लावर गार्डन, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर और कश्मीर वैली। इनके लगते हैं 500 रुपये, कितने एक घंटे में हो जाता है, पौना घंटा से एक घंटा मेरे को इन्होंने बताया। और अगर इसके साथ आप राइट हैंड साइड के स्पॉट्स भी करना चाहते हो तो पूरा दिन लग जाएगा, तो हम अभी यहाँ नहीं जा रहे, ये केवल आपकी जानकारी के लिए। ओके भैया धन्यवाद। मेरी यहाँ पर मुलाकात अशोक कुमार से हुई है, अशोक स्टूडेंट है, तो मेरे को बोला आपको हम अगले 5-6 घंटे में पटनीटॉप घुमा देते हैं। मैंने कहा सही है, तो अशोक 500 रुपये चार्ज लेते हैं हाफ डे पटनीटॉप घुमाने का। तो हम यहाँ से निकलने ही वाले थे तो मैंने सामने ना हट्स देखी, तो हमें पता चला ये जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की हट्स है। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, रूम साइज़ भी बड़ा होता है, यहाँ पर पूरी फैमिली रह सकती है। 2 बेड्स होते हैं जी सर, 2 डबल साइज बेड्स, तो चले जी सर। ठीक है जी आओ, हम जा रहे हैं नाग टेम्पल ना। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। अशोक ने बताया पटनी टॉप हाइट्स, जो सामने आप होटल देख रहे हैं ना, यहाँ पर फैसिलिटी भी अच्छी है और ओवरऑल रूम्स भी बेहतर है। अब यहाँ से 0.5 किलोमीटर पे नाग टेम्पल है, थोड़ा ही अभी हम आगे आए ना तो व्यू देखो कितना शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय हम बाबा गवाह नाग देवता के मंदिर आए हैं। कहते हैं ये इच्छाधारी नाग थे, आज से लगभग 1200 साल पहले इन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया। यहाँ पर जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ इन्होंने तपस्या करी, और जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा तो यहाँ पर उनका पिंडी रूप रह गया, जिसके दर्शन हम अंदर जाके करेंगे। तो यहाँ फीता बांधते हैं, मानते मांगते हैं, मतलब इच्छा पूर्ण करते हैं सभी की। काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। जाओ धन्यवाद। अभी हम स्काई व्यू पटनी टॉप आए हैं, यहाँ से हम 2.8 किलोमीटर की रोपवे जर्नी करेंगे। चार्जेस हैं 1180 रुपये, जिसमें आप 15 मिनट की जर्नी करके नीचे जाएंगे और 15 मिनट की जर्नी करके वापस ऊपर आएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत ऑसम व्यू है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे पाइन ट्रीज और हम कितनी हाइट से निकल रहे हैं। इस समय हम टॉवर नंबर 5 के आगे से निकल रहे हैं, यहां से जो ग्राउंड क्लियरेंस है 65 मीटर की है, ये इंडिया का हाईएस्ट रोपवे पॉइंट है। अच्छा स्पीड ज्यादा नहीं है, लगभग समझ लीजिए 4 या 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड है। कैबिन से बाहर निकल के हमने थोड़ा वॉक किया और यहां पर एक कैफे में आ गए और हमने अपने लिए लिया कॉफी। हमारे साथ वसंत है, यहीं के ऑफिसर हैं, तो गेस्ट टूरिस्ट को गाइड करते हैं। अच्छा बताइए कि यहाँ पर और क्या करने को एज ए एडवेंचर एक्टिविटी? आमतौर पे जैसे जिपलाइन स्ट्रेट होती है, हमारे यहाँ पे जो जिपलाइन है वो जिगजैग पोर्शन में है, एंड सेकंड जो हमारी ट्यूबिंग है आमतौर पे पानी में होती है, हमारे में आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया है
और जो हमारे पास मैजिक आपिट है वो एक ट्रेवलेटर टाइप है जो आपको टॉप तक ले जाएगी, देन वहाँ से आप ट्यूबिंग या जिप लाइन कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ के चार्जेस अलग हैं। जी सर। ग्रेट, थैंक्स। थैंक यू सर। रोपवे से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारा प्लान है नथा टॉप जाएंगे, यहाँ से लगभग हमें पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। हम ना गाड़ी पे आ रहे थे तो आगे चल के रास्ता हो गया तंग, तो ड्राइवर ने बोला कि मैं गाड़ी इधर रोकता हूँ, आगे आप पैदल जाओ। वैसे नज़दीक ही जाना है, सामने से कितना 200 मीटर होगा। ठीक है जी। अब बर्फ़ आप देख लो, दोनों तरफ बर्फ है और हम बीच बीच से निकल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, धूप तेज़ निकली हुई है। वाह, वहाँ चल के स्लाइडिंग करेंगे, दो लोग स्लाइड करेंगे और साथ में स्नो शूज़, इसका चार्ज है 500 रुपये। पटनी टॉप में लग रहा था टूरिस्ट कम है लेकिन यहाँ बहुत टूरिस्ट है। चलो। अरे वाह, क्या बात है। भाई स्नोफॉल कितने दिन पहले हुई है? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन से बर्फ है यहाँ पे। इस समय जाम खड़े हैं ना, कम से कम 3 फीट बर्फ है। बहुत मजा आ रहा है। वाह जी वाह। ओह गॉड, बर्फ बहुत सॉफ्ट है। 15 दिन पहले बर्फ गिरी और आज भी इतनी सॉफ्ट है। हैं? अरे वाह, पीछे तो मेरा पांव 2 फीट अंदर चला गया। ओहो हो 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 हो। भाई ये मजा आ गया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। यहाँ पर बर्फ दिसंबर के पहले हफ्ते से पड़ना शुरू हो जाती है और जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पड़ती है। ये नथा टॉप से हमें लगभग 1.25 घंटा लगा पीड़ा पहुंचने में। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पर श्रीनगर जाने वाले लोग रुकते हैं और राजमा चावल खाते हैं। हम यहाँ पर रुके हैं शर्मा वैष्णो ढाबा, चलिए अंदर चलते हैं। एक प्लेट हमें दीजिए राजमा चावल। जी सर। मैं पहली बार राजमा चावल खा रहा हूँ इतना घी डाल के। वाह जी वाह, यहाँ के राजमा चावल इतने फेमस हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत नाम है। माय गॉड, अल्टीमेट। इस राजमा चावल में घी पूरी तरह से गेम चेंजर है, घी ने समा मान दिया वाली बात है। और दूसरी बात, ये राजमा भी कोई साधारण राजमा नहीं है, ठीक कह रहा हूँ? ये राजमा बड़े ज़बरदस्त है, मेरे को अभी भी ध्यान है, मैंने कटरा में मनोरंजन पे भी राजमा खाए थे, उसका टेस्ट भी सही था और इसका टेस्ट भी सही है, मतलब ये बहुत हटके टेस्ट है। आपको यहाँ के राजमा पसंद है? बहुत पसंद है। आप तो आते रहते हो यहाँ पे? वेरी गुड। अनारदाना की चटनी भी लेंगे साथ में और देखेंगे कितना मज़ा और आता है। ओह, ओए होए,
अरे अपना अशोक भाई ये लो ना। अच्छा आपके पास तो पहले से है, कमाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, राजमा चावल और घी तो भयंकर था ही था, भयंकर मतलब जबरदस्त है ही है, साथ में अनारदाना की चटनी तो ऐसा है मेड फॉर ईच अदर कॉम्बिनेशन है। पीड़ा आ गए, राजमा चावल घी और अनारदाने की चटनी का कॉम्बिनेशन खा के ना दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ से अभी हम जम्मू जाने वाले हैं, 6 बजने का टाइम हो चुका है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो 2.5 घंटा, बाकी थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा तो 3.5 या 4 घंटे का हमें लगेंगे। यहाँ से नाशरी टनल कितना, 4 किलोमीटर, और वहाँ वो आपको बता देता हूँ कि 9.5 किलोमीटर लंबी टनल है, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब आपसे अगली मुलाकात हमारी जम्मू में होगी। और दूसरी बात अशोक, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमको गाइड किया, तो वेरी हेल्पफुल। और अशोक वैसे स्टूडेंट है, ये पार्ट टाइम बेसिस पे लोगों को गाइड करता है पटनी टॉप और सराउंडिंग्स में घूमने में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आपसे मुलाकात हम 10:30-11 बजे के आसपास करते हैं जम्मू पहुँच कर। जम्मू पहुंचने में अभी हमें 40 किलोमीटर की जर्नी और करनी है, 2 घंटे लगे हमें पीड़ा से इस जगह पहुंचने में जहां पर अभी हम खड़े हैं। सामने देख रहे हैं हाईवे के उस पार कुछ ढाबे हैं, वहां पर हम जा रहे हैं पकोड़े खाने। लो जी, पनीर पकोड़े तल के आ चुके हैं, साथ में मिली है मूली की चटनी। इसमें पनीर का स्वाद बहुत डिफरेंट है, देसी पनीर इस्तेमाल किया गया है, ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम इतना हमें मैजिकल टेस्ट आ रहा है। अब थोड़ी सी चटनी भी लगा लेते हैं। चटनी में खटास भी है और तीखापन भी है, ग्रेट कॉम्बिनेशन, शानदार पनीर पकोड़े और ये मज़ेदार चटनी। लो जी, चाय फिनिश होने वाली है। यहाँ से जम्मू मैंने आपको बताया 40 किलोमीटर, 1 घंटे के अंदर हम जम्मू पहुँच जाएंगे। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लगभग रात को 9 बजे जम्मू पहुँचे, हमने जम्मू में नाइट स्टे मैंगो होटल में किया। अगले एपिसोड में आप देखेंगे जम्मू की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जैसे कि हम मानसर लेक गए, हमने आरसपुरा बॉर्डर भी विजिट किया और यहाँ का फेमस फूड भी हमने खूब इंजॉय किया। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।